Hello friends, once again welcome to you all in my YouTube channel. In this class we discuss the very important topic of the related to the Ayurveda, that is called as Indriya Panchpanchak. Okay, so आपको आपके first year में ये रचना शरीर में आपको ये क्रिया शरीर में हर एक विषय में आपको आपको पदार्थ विज्ञान में भी इंद्रिय पंचपंचक आपको डिटेल में देखेगा. सो फॉर द यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंद्रिय पंचपंचक. ये क्या होता है इसे आप पंचपंचक मीन्स यहाँ पे पाँच जो चीज़ें हैं उनके पाँच कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाले हैं. दैट इज कॉल्ड एज इंद्रिय पंचपंचक. उसी को हम बोलेंगे इंद्रिय. तो ओके लेट्स कंटिन्यू विद दैट. जैसे कि हम सभी जानते हैं इंद्रिय हमारे पास पांच होती है. सेंसरी ऑर्गन दैट इज़ अ चक्षु इंद्रिय. आप मैं अगर आप वहाँ पे संधि लगा के बात करेंगे तो चक्षुर इंद्रिय, त्वग इंद्रिय, त्वग मे नॉट अबाउट द क बी आई एम आई से दैट त्वग इंद्रिय. उसके बाद रसने इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, कर्णन इंद्रिय. ओके सो इंद्रिय दैट इज ऑल अबाउट दैट. तो चक्षु इंद्रिय आपका रहेगा. चक्षु इंद्रिय मीन्स चक्षु जो आपको बाहर से आँख दिखाई देता है वो आपकी आँखों की दो इंद्रियों की अधिष्ठान है. जिसमें हम अगर आप आपको रिटेल में बताने की कोशिश करें तो आपको क्या रेटिना दिखता है, रेटिना दिखता है लेकिन रेटिना नहीं दिखता है. तो चक्षु इंद्रिय हम क्या रिलेट करेंगे कि हमारा जो रेटिना है सो इसका जो अधिष्ठान है उसका जो घर हुआ वो क्या हुआ, आईबॉल हुआ. उसको हम क्या बोलेंगे, अक्षी बोलेंगे. ओके तो जो उसका अक्षी होता है उसका क्या होता है, अधिष्ठान होता है. तो अधिष्ठान मीन्स जो उसका घर होता है, किसका घर होता है, इंद्रिय का जो घर होता है दैट इज कॉल्ड एज द अधिष्ठान ऑफ दैट इंद्रिय. तो चक्षुर इंद्रिय, त्वगे इंद्रिय, रसने इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, तो दैट इज इंद्रिय. द आउट ऑफ दैट इंद्रिय पंचपंचक द पंचपंचक वन इज डिस्कवर्ड. ओके सो दैट इज द लोकेशन ऑफ ऑल फाइव इंद्रिय दैट इज द सेंसरी ऑर्गन्स दैट इज कॉल्ड एज द पंच इंद्रिय अधिष्ठानानी अक्षणी. अगर आपके जो आई बॉल्स जो बाहर से पब्लिक को जो पब्लिक आपको देखते हैं एंड जो आप पब्लिक को देखते हैं जो आई बॉल्स जो आपको दिखते हैं उसके अंदर आपका रेटिना है, उसके अंदर आपका क्या है इंद्रिय है. ओके एंड इंद्रिय अधिष्ठान जो है वो अक्षिणी काम कर रही है दैट इज़ द आई बॉल. एंड जो कर्ण है जो हमारे जो कान है ये हमारे कान में ही जो भी कुछ है कर्णन इंद्रिय है जो कि अंदर बैठे हुए रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल ईयर. एंड जो नसिका है ये जो हमारा जो नोज है बाय द एक्सटर्नली व्हाट वी सीइंग दैट दैट इज़ द इंद्रिय लोकेशन ऑफ द इंद्रिय ऑफ दैट घ्राण इंद्रिय जिसे हम रिसेप्टर्स एंड द वेस्टिबल एक अनदर थिंग्स वहाँ पे अलग अलग पार्ट के अलग अलग थिंग्स रहते हैं दैट इज विच हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ द एनी स्मेल दैट इज कॉल्ड द नासिके. नासिका वो घ्राण इंद्रिय किसके अंदर है, घ्राण में है, उसको नासिका में है, उसके दोनों नाकों में है. जीवा मीन्स जीवन इंद्रिय रसनन इंद्रिय. जीवा मीन्स रसन इंद्रिय एंड और आप जो रसन इंद्रिय आप तुलना करेंगे किससे, पैपिला से करेंगे. ओके जो पैपिला जो टेस्ट बर्ड रहते हैं दैट इज रिलेटेड विद द जीवन इंद्रिय. और जो टेस्ट बर्ड जो है कहाँ पे है उसका अधिष्ठान, उसका अधिष्ठान जो जीवा है उसका जो टंग है, टंग इज इट सेल्फ अधिष्ठान ऑफ दैट इंद्रिय दैट इज कॉल्ड एज द टेस्ट बर्ड. एंड जो इसका त्वक है, त्वक मीन्स दैट द स्किन जो हमारा जो बॉडी जो आउटसाइड से जो हम देखते हैं दैट इज त्वग मीन्स स्किन दैट इज द मेन लोकेशन ऑफ द त्वग इंद्रिय दैट इज त्वचा. ओके सो दैट इज ऑल लोकेशन ऑफ द ऑल सेंसरी ऑर्गन दैट इज आउट ऑफ द पंच पंचक टू इज कवर्ड दैट इज द वन इंद्रिय एंड वन इंद्रिय अधिष्ठान. सो अनदर थिंग इज दैट द सब्जेक्ट ऑफ द इंद्रिय द विषय. ओके द पंच इंद्रिय अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध. ओके द पंच इंद्रिय अर्थ मीन्स हाउ इन विच मैनर द इंद्रिय दे कैन यूज देयर ओके अर्थ. ओके इफ सपोज आवाज यू कैन से साउंड इज कमिंग तो साउंड इज कमिंग एंड द परसीविंग ऑफ दैट साउंड एंड द डिटेक्शन ऑफ दैट साउंड एंड analyzing and the detection towards that sound and one appropriate answer to show the person that give by the karnanendriya. Karnanendriya karna ka adhisthan hai jo ki outside se aap bahar dikhte hain that is the karnanendriya. Karnanendriya uska adhisthan karna hai and uska jo arth hua shabd hua in that same sabhi ka arth jo hota hai one by one shabd sparsh roop ras and gandh hota hai. Okay so that is all about that. So panchendriya anta out of that panchpanchak three parts is covered.
The fourth part is the nothing but the dravyas of all five indriya. That is called as the pancha indriya dravyani. Kham vayu jyoti apah bhuriti. Bhuriti means jo hamara jo prithvi jo bana hua hai. So okay, jo akash mahabhuj ka jo dravya rahenge wo kisko perceive karenge, wo जो भी कुछ आकाश महाभूत के द्रव्य रहेंगे जिसमें स्पेस टाइप के थिंग्स रहेंगी जो विच मैच विद द फीचर्स ऑफ देयर इंद्रिय दैट इज़ द आकाश. तो दैट इज़ अबाउट दैट पंच इंद्रिय द्रव्याणी आकाश द्रव्य वायु द्रव्य उसके बाद ज्योति मीन्स तेज द्रव्य. तेज द्रव्य इज रिलेटेड टू द अक्षी दैट इज़ रिलेटेड टू द ओके चक्षुल इंद्रिय एंड वायु मीन्स द त्वगे इंद्रिय इज रिलेटेड टू द त्वगे इंद्रिय दैट इज़ वायव्य द्रव्य. अगर हम बात करेंगे तो किसका रहेगा वो त्वगे इंद्रिय का बात करेगा. अगर कोई भी अगर वहाँ पे वायु अगर टच करेगा स्किन को तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वायव्य द्रव्य एंड वायव्य द्रव्य रिलेटेड टू द त्वग दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्किन. एंड मैंने बताया आपको कि ज्योति जो होती है दैट इज विथ रिलेटेड टू द तेज विथ रिलेटेड टू द अग्नि एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चक्षु. इन दैट सेम वे जो आप जो रहता है हमारा रसन इंद्रिय जो हमने जिसकी बात की थी जिसके अंदर रसना जो कि टेस्ट बर्ड जो कि कुछ है रसन इंद्रिय और वो किसके अंदर टंग में रहता है दैट इज़ कॉल्ड द टंग द डिटेक्शन ऑफ द रस एंड द द्रव्या विद द परसीव दैट इज कॉल्ड एज द आप दैट इज़ रस महाभूत. उसमें वो वाले द्रव्य वो परसीव करेगा इन दैट सेम वे ऑल द अपन ओके द पंच इंद्रिय द्रव्याणी खम वायु ज्योति आप भूर्दी. नेक्स्ट कंटिन्यू विद दैट ऑफ लास्ट ऑफ द इंद्रिय पंचपंचक द बुद्धि ऑफ ऑल इंद्रिय ओके दैट इज़ नथिंग बट द अगर मैं कोई चीज़ एक बार देख लिया और अगेन जब मेरे पास फ्रंट पे वही सीन आएगा तो मेरी जो चक्षु इंद्रिय की जो मैंने एक देखा रहेगा तो मुझे वो विजुलाइज करेगा कि भाई मैंने ये देखा हुआ है. तो द फीचर्स ऑफ दैट इज़ कम विद द हेल्प ऑफ द चक्षु इंद्रिय बुद्धि. सो दैट इज़ ऑल चक्षु बुद्धि इन दैट सेम विद द घ्राण बुद्धि इन दैट सेम विद द कर्ण बुद्धि रसन बुद्धि एंड वन मोर थिंग इज ओके यू कैन सी दैट. तो दैट इज़ अ पंच इंद्रिय बुद्धि पंच जितने भी इंद्रिय हैं उनके हर एक की बुद्धि है वो सभी. अभी आपने एक बार जो आवाज़ सुनी थी अगर वही आवाज़ सुनाई देती है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट एंड सेम थिंग सेम आवाज़ इज देयर विच इज़ ऑलरेडी आई लिसन दैट ओके. तो दैट इज़ अ बुद्धि ये सब जो कैसे होता है मालूम है. तब पुनः इंद्रिय अर्थ सत्व आत्मा शनि कर सीधा जो इंद्रिय के साथ जो अर्थ यानी कि जो मैं किसी ऑब्जेक्ट को जो भी कभी देखता हूँ सपोज मैंने एक बुक लिया है और मैं बुक से बुक को देख रहा हूँ तो मेरे जो आँख और बुक है बुक जो है ये वो क्या है अर्थ है यानी विषय है. जो विषय किसका है मेरे आँखों का है आँख का विषय मेरा बुक है और ये जो मेरा बुक है वो अर्थ है वो विषय है और जिसे मैं देख रहा हूँ वो क्या है मेरा इंद्रिय है. इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ यहाँ पे दोनों का एक संयोग बन जाता है इंद्रिय अर्थ. उसके बाद जो जो नॉलेज इससे परसीव होगा वो मन को देता है एंड मन गिव दैट नॉलेज इन टू द आत्मा दैट इज़ ऑल अबाउट द इंद्रिय अर्थ सत्व आत्मा सन्निकर्षजा. इसकी वजह से हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है. सो ओके दैट इज़ ऑल अबाउट द इंद्रिय पंचपंचक. सो दैट इज़ इनफ फॉर दैट. सी द फुल वीडियो इफ यू नॉट सी ओके. सो बाय डूइंग द बैक यू कैन सी दैट ओके. सो दैट इज़ इनफ फॉर दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे. जय हिंद जय आयुर्वेद जय धन्वंतरी.